राधे राधे दोस्तों, बरसाना की यात्रा में आप सबका स्वागत है। बरसाना जिसे हम राधा रानी जी की जन्मस्थली के रूप में मानते हैं, ब्रज धाम की देवी हैं श्री राधा रानी जी। नंदगांव से 8 किलोमीटर दूर और गोवर्धन से 21 किलोमीटर दूरी पर है बरसाना। अपनी बरसाना की यात्रा हमने कीर्ति मंदिर से की। कीर्ति मंदिर की आधारशिला वर्ष 2006 में जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने रखी थी। इस मंदिर को बनाने में 12 वर्ष का समय लगा और यह लगभग 13,000 वर्ग फीट में फैला है। कीर्ति मंदिर समर्पित है श्री राधा रानी जी और उनकी माता कीर्ति जी को। कीर्ति मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राधा रानी जी उनकी माता की गोद में बैठी हैं। तो चलो दोस्तों, करते हैं बरसाना की यात्रा की शुरुआत कीर्ति मंदिर से और उसके बाद करते हैं राधा रानी जी के दर्शन। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज हम आए हैं बरसाना में और बरसाना में कीर्ति मंदिर के पास खड़े हैं। जो ये कुछ ऐसे मेन गेट है कीर्ति मंदिर का, तो ये है, वहाँ तक है, वहाँ से स्टार्ट हो गए। ये कीर्ति मंदिर है, यहाँ से ये मेन गेट है और ये वहाँ तक है। तो भाई ये है वहाँ से लेके, तो ये बाउंड्री पे देखो कितनी ये मोर की जो जाली है ये बना रखी है। मोर पे देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है, बाउंड्री बना रखी है। और ये कुछ ऐसे गेट है और ये है भाई अंदर मंदिर। तो देखो भाई, ये है मंदिर। तो दोस्तों, ये है लाडली मंदिर। यह मंदिर पूरी तरह से राधा रानी जी को समर्पित है और लोगों का कहना है अगर आप राधा रानी जी को मना लो तो श्री कृष्ण अपने आप ही मान जाते हैं। इस मंदिर नए मंदिर का निर्माण लगभग 400 साल पहले हुआ था। इस मंदिर में लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं तब राधा रानी जी के दर्शन होते हैं। इस मंदिर का शिखर सोने का बना हुआ है। तो चलो गाइस, करते हैं राधा रानी जी के दर्शन और करते हैं। गाइस ये है बरसाना, अभी आए हैं राधा रानी जो लाडली मंदिर है उसमें। तो वहां से कुछ ऐसा व्यू है, ये बरसाना का व्यू है ऊपर से लाडली मंदिर पे से। ये जो है ये लाडली मंदिर है और इसका ये है लाडली मंदिर का जो मेन गेट है ये। तो सीढ़ियाँ हैं भाई, सीढ़ियाँ चढ़ के आनी पड़ती हैं, ऐसी सीढ़ियाँ हैं। नीचे राधा रानी का जन्म स्थल है। देखो भाई ये व्यू देखो, यहाँ से पूरा बरसाना दिखता है। ये मंदिर के अंदर आ गए हैं मंदिर पे। सामने है जो मंदिर है। तो गाइस ये है मंदिर राधा रानी जी का लाडली मंदिर। पुराना भाई ये वाला जो है पुराना है, पहले का टाइम का ही है जो था तब का ही। इसमें थोड़ी ये थोड़ा नया बना रखा है। तो गाइस ये है बरसाना में लाडली मंदिर, इसके ऊपर से बरसाना दिखता पूरा, ऐसा व्यू है। और ये मंदिर है मेन मंदिर, वहां से जो रास्ता है उसके मंदिर पे जाता है अंदर। बने रहिए व्लॉग में, तो थोड़ा थोड़ा बरसाना का पूरी झलक दिखाएंगे बरसाना की। ये है लाडली मंदिर का मेन गेट है भाई, बिल्कुल ये सीढ़ियां हैं। तो भाई ये है लाडली मंदिर के जो ऊपर है उससे
बरसाना का व्यू कुछ ऐसा है, पूरा बरसाना दिखता गाइस देखो। और भाई गर्मी तो नहीं आज, वहां पे भी है एक पैलेस जो दिख रहा होगा, गाइस दिखाओ। देखो गाइस ये कोई महल वगैरह टाइप का ही दिख रहा है, पहले की है कोई, बहुत पुराना दिख रहा है ये भी। देखेंगे अगर वहां पे जाने का है तो ये है लाडली महाराज जी मंदिर, सामने उनकी फोटो प्रतिमा है अंदर, और ये कुछ ऐसे है। बता दूंगा ये, देखो अंकल कैसे जा रहे हैं, अंकल देखना भी, इतनी तेज धूप है गाइस, ये जो है ना ये पूरा ऐसे हो रखा जैसे आप यहाँ पे ना रोटी सेक लो, ऐसे इतना गर्म हो रखा है। तो अगर आप लोग आना चाहो तो गाइस शाम के टाइम पे ही आओ, और हो सके तो गर्मियों से पहले ही आओ भाई, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आए हम, गर्मियों में ही अप्रैल में ही हुआ है, तो अभी इतनी गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो ये है भाई राधा रानी जी की का जन्म स्थान है, जो जहाँ पे राधा रानी जी का जन्म हुआ था। ये कुछ अभी मंदिर वगैरह बना रखा है, ये परिक्रमा का है, और ये है मेन गेट है जो वो है, ये जो लाडली जी का मंदिर है उसके जस्ट नीचे ही है, यहाँ से लाडली जी का मंदिर का रास्ता है, और ये राधा रानी जी का जन्म स्थान है, और ये गेट है, ये गेट ही छोड़ रखा है पुराना, अंदर चेंज कर रखा है, मंदिर बना रखा है, ये पहले घर वगैरह हुआ करता था शायद उनका, जहाँ पे राधा रानी जी का जन्म हुआ था वहाँ वो घर हुआ करता था ये।